क्या कर रहे हो आज? आज ना एपीएसपी को ना सब हमने जितने भी हमारे पैसे ना उनसे मिलवाने हैं। देखना यार कुछ अटैक ना कर दे। मिलेगा मिलेगा कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों ये देखें उमर और अरहम ना आज सारे बर्ड्स और जो हमारे पेट्स हैं ना उनको बेबी हस्की से मिलवा रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? वो देखें दोस्तों यार ध्यान करना कहीं अटैक ना कर दे। बस छोटा है अभी, इसको अभी से मिल आदत। हाँ रैबिट से तो मिल रहा है। चलो रैबिट्स को आने दो, बाहर बाहर आने दो। चलो चलो शाबाश। बाकी पिजन वगैरह से भी मिलवाओ यार इसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों अरहम और उमर ऊपर आए हुए थे और ना ये हमारे बेबी हस्की को अभी क्योंकि नाम तो रखा नहीं है तो अभी हमारा ये बेबी हस्की ही है। इसको हर बर्ड्स और रैबिट्स वगैरह से मिलवा रहे हैं अभी ना। ये देखें कबूतरों से मिलवा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। यार ध्यान करना बस किसी परिंदे को नुकसान ना पहुंचा दे यार। ये देखो देखो कुछ भी नहीं कहेगा यार, छोड़ दो, खड़े नहीं है हम, छोड़ दो, खेल रहा है वो, अभी बच्चा है यार वो। बस ध्यान करना यार किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाए बस। ये देखें दोस्तों ये ना रैबिट टाउन में घुस गया है और यहाँ इनसे खेल रहा है। कबूतर तो इससे डर रहे हैं यार। देखो ना अभी उसको आज पहले दिन मिलवा रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपनी कोशिश पूरी करेंगे, ट्रेनिंग अच्छे से अच्छी करेंगे इसकी ना। हाँ यार असल में ना वैसे तो ये है जो है ना डॉग, इसको बांध के तो फिर भी रखना पड़ेगा हमें जब जब भी ऊपर हो। हाँ। क्योंकि यार इसको अकेला हम नहीं छोड़ सकते जैसे सारे बर्ड्स खुले होते हैं। दोस्तों आखिर ये डॉग है, अल्लाह ना करे किसी पे अटैक कर दे, ऐसे नुकसान हो तो क्यों नुकसान हो। आ रही है समझ? नहीं करना। चलो भाई ध्यान से इसकी लीश अभी यार वैसे बांध देते यार इसको, बाकी चीजें खोल दो, इसकी वजह से बाकी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, डर रही हैं, कबूतर भी डर रहे हैं। हाँ इसको बांध दो यार अभी। चलो दोस्तों ये देखें कैसे माशाल्लाह सारे हमारे जो रैबिट्स हैं ना एंगोरा वो लाइन में लगे हुए खा रहे हैं। और दोस्तों ये पता है क्या खा रहे हैं? ये जो अरहम के जो वो है ना बजीज, उनका जो दाना गिरा हुआ है ये सब वो खा रहे हैं। ये देखें और इधर जो है ना हमारा टर्की बर्ड अंदर मस्ती में फिर रहा है फुल अपनी। टर्की बर्ड मिस्टर एंड मिसेस टर्की। ये देखें दोस्तों ये जो हमारी मैडम फिर रही है ना ये काफी बीमार हो गई थी। दोस्तों मैडम हमारी काफी ज्यादा ना बीमार थी, अब माशाल्लाह लेकिन सेट हो गई है। दोस्तों इसका ना पोटा हुआ हुआ था बंद, तो इसका ना मतलब रात को पोटा खोला है, उसमें ना अब बिल्कुल सेट है। अभी थोड़ा सा इसको लाइट गजा दी थी मैंने पापे और चाय, तो ना एक दो दिन में इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएगी। और ये जो है ना हमारे डाकू, इनकी जो सजा है इन्हें अब नहीं खोलना। यकीन करें ये तो इतना तंग करने लग गए हैं, अब तो कुछ ज्यादा ही करने लग गए हैं। और मेरा तो अब दिल ही नहीं करता इनके लिए फीमेल लेके आऊं। पहले चार ने नाक में चने वो चबाए हुए हैं और अब अगर और ले आए तो पता नहीं है और क्या करेंगे। ये तो कबूतर अंडा, यार तुम लोगों ने इसको अंडों में अंडे के लिए पेटी नहीं रखी अंदर? अरहम कमाल करते हो यार तुम। पेटी कहाँ है, पेटी किधर है? दोस्तों अरहम ना सिर्फ अंडा खाने का अरहम को पता है, पेटी वगैरह का नहीं पता। ये हाँ ये देखो ला के रखी हुई, तो यार रखना भी तो था ना। उठाओ जरा पेटी, सेट करो अंदर, तुम खुद ही करोगे अपने हाथों से। दोस्तों ये ना हमने जो पेटी में ना इसका नेस्टिंग मटेरियल सारा रख के ना बड़ा अच्छा सा नेस्ट बना दिया है। अभी इसमें अंडा रखेंगे और अंदर, चलो भी अंदर रख दो जरा, सेट कर दो ताकि ना दूरबीन कबूतर इसी के अंदर अंडा दे के बैठे हैं। छोटे छोटे ध्यान से रखने हैं अंडा, तो तुम खाने में शेर हो। और दोस्तों ये देखें ये हमने रख दिया है माशाल्लाह और बस। ओए अरहम दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से ये तो दूसरा अंडा भी दिया हुआ है और ये भी रख दिया। दोस्तों ये दूसरा अंडा भी रख दिया और वीआईपी सा हो जाएगा इंशाल्लाह, भी प्यारे प्यारे से इसके बच्चे निकलेंगे। दोस्तों ये तो आज दो अंडे दिए हैं, पता नहीं है और भी देंगी, ये बस दो ही है। उमर इधर आओ यार, वो तो एक और अंडा भी दिया हुआ है। हाँ मैंने रख भी दिया जरा ना, सही कर दो तुम, देखो जरा लेवल थोड़ा सा खराब है, वो जरा सही करो यार माशाल्लाह। दो अंडे हैं, जरा ना नीचे थोड़ी सी पेटी है ना मट्टी और डालो, लेवल थोड़ा सा खराब है। अरहम अगर और भी अंडा दिया तो जरा ख्याल करना। हाँ, ख्याल इसको जरा समझा देना यार। दोस्तों प्यारे प्यारे से दूरबीन कबूतर होंगे ना, छोटे छोटे से दूरबीन बेबी आएंगे।
दोस्तों उमर ना जो दूरबीन कबूतरों के अंडे रखे हुए हैं उनका ना लेवल सही कर रहा है, जो अपने पेटी रखी है। मैं जब तक बाकी चीजें खोल दूं सारी। चलो भी बेंटम तुम भी बाहर आ जाओ, आज तुम भी मजे करो। आ जा भाई, तू भी बाहर आ जा। मजनू डाकुओं को ना खोलना, डाकुओं को तो नहीं खोलना, डाकू तो बंद है। और दोस्तों ये हमारी कुड़क मादियां भी बैठी हुई हैं। बस अपना जल्दी जल्दी से बच्चे निकले इनके बस। और ये देखें, ये जो है ना इसका काम है सिर्फ खाना और रात को आराम करना। अंडे शंडे देने वाली तरफ तो सोचा ही नहीं ना इसका। कबूतर अंदर घुस गए। उमर यार ये क्या हो गया है? निकाल लो यार। ये तो हमारा सेंटी अंदर चला गया है, इसको बाहर निकालो यार। चलो बाहर निकालो यार, इसे ठंड है। तुम क्या कर रहे थे भाई? तुम हस्की पे बैठा हुआ है ना। अच्छा दोस्तों अभी ना ठंड है क्योंकि पिजन अंदर ना आएंगे तो कोई मसला हो सकता है, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं अभी। और ये देखें, ये जो है ना हमारा तरकी, वो अरहम ने जो लगाया है ना ये एलोवेरा, इसके अंदर घुसा हुआ पता नहीं क्या खा रहा होता है, मुझे तो यही नहीं समझ आती। उमर शेजुका ने अंडा दिया या नहीं दिया? अभी तक नहीं दिया नहीं। यार देती तो रोज है, पक्की बात है नहीं दिया इस पे नहीं दिया, नहीं दिया। ख्याल करना बस। हाँ, नहीं दिया। वैसे उमर कैमरे लगवाने पड़ेंगे मुझे अब ना, मुझे भी लग रहा है। ये जो है ना, हाँ अपने अपने अंडे चोर निकल आए ना, इसको परवाह ही नहीं है कि प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आएंगे। दोस्तों शेजुका ने पता नहीं अभी तक अंडा दिया नहीं है या फिर अरहम गोलमोल कर गया, वो हमें नहीं पता अभी। बाकी यार शेजुका तुम्हें इस दफा, तुम्हारी मेहरबानी, इस दफा कुड़क हो जाना, लाजमी कुड़क हो जाना। शाका साहब शेजुका को समझा लो। दोस्तों लास्ट टाइम तो इसने वो हरकत करी है, अंडे दे दिए और कुड़क ही नहीं हुई, हम तो इतना तंग हुए हैं ना, लेकिन शुक्र अल्लाह का हमें मादियां मिल गई थी कुड़क। तुम क्या कर रहे हो यार? खेल रहा हूं इसके साथ। लास्ट टाइम शोर मचा रहा था कि मेरे पास भी आ जाओ जरा। आ जाओ बस, कल इसका नाम भी हमने रख देना है। हाँ यार, हाँ फाइनल कर, मैंने पूरी लिस्ट बना ली है और जो ऑडियंस कहेगी वही होगा। वही होगा, ऐसी बात है ना। दोस्तों आज सारी चीजें खोली हैं, वरना ना जब हमारा बेबी हस्की नीचे होता था तब भी हम इन्हें खोलते थे फिर बंद कर देते थे। वेदर भी ना आजकल ना जरा ठंड हो गई है काफी ज्यादा, ये तो आज थोड़ी सी ना जरा थोड़ा सा सूरज वगैरह निकला, वरना तो सारी धुंध ही धुंध थी। बाकी ये देखें हर चीज माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है खुली हुई। दोस्तों ये देखें हमारा जो कोको है ना, कोको तो भाई यार, उमर तुम्हें पता कोको का घर भी बन गया है। तो यार कब आएगा, इतने दिन हो गए। कल या परसों लेके आऊंगा, वो कह रहे हैं बस ना सिलिकॉन वगैरह लगी हुई है उसे, तो ना आप ले जाएं। अरे हम कोको का घर रेडी हो गया। हाँ बहुत प्यारा सा घर बन रहा है यार। वो ना टावर एक्वेरियम बनवाया मैंने, वो हाइट में लंबा है मतलब ना, और विड्थ उसकी कम है, हाइट में है। बेवकूफ आसमानों को छुएगा, उसके अंदर ये रहेगा, थोड़ा सा पानी होगा, ऊपर बजरी होगी, जब इसने पानी में जाना पानी में चला जाएगा, जब इसका दिल करेगा ये बजरी पे ऊपर आ जाएगा। ये देखें दोस्तों यार थोड़ा सा पानी में इसको छोड़ें जरा, अभी छोड़ते हैं पहले जरा हस्की के पास लेके चलो, वो डरता है इससे देखें। यार नहीं हस्की से नहीं मिलवाना, ये छोटा है शायद ये डर जाए उससे। चलो मिलवाओ तो सही, मुझे तो नहीं लगता ये डरेगा। दोस्तों ये डरने वाली शय है तो नहीं। क्या है ये? ओए यार ये तो डरता ही नहीं हमारा बेबी हस्की। यार इसको क्या पता ये क्या है, और ये इसका क्या क्या कर सकता है। मर क्या करना है यार इसे, कहीं आज पानी में थोड़ा सा छोड़े इसे। हाँ, फिर ऊपर नीचे वाले में नहीं। हाँ नीचे में तो दोस्तों हमारी प्यारी प्यारी फिशेज हैं। और ये देखें, ओ खैर ये देखो इसमें डूबेगा भी नहीं, थोड़ा सा नहा ले या फिर इसको उधर कर देते हैं। दोस्तों ये सही है, इसके अंदर ना ये डूबेगा और ना ही इसको कोई मसला होगा, पानी भी अभी ना नॉर्मल है, ठंडा भी नहीं है। ये देखें हमारे पॉन्ड में डक आ गया दोस्तों, वो देखें डक कहीं फिश ना खा ले यार। देखने दो ना यार, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, कहीं डक फिश ना खा जाए। देखने दो। ओए यार उमर मुझे तो डर लग रहा है। दोस्तों हमारी ना डक अंदर चली गई है, कहीं फिश ना खा ले यार, ध्यान करना है यार। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? मनाओ ये बाहर आ जाए और हाँ तो हमें पता चल जाएगा। यार मुझे नहीं लगता खाएगी क्योंकि फिशेस नीचे हैं यार। हाँ
लेकिन यार ये बहुत बड़ी फिल्में होती हैं। निकाल लो यार, बहुत सर्दी है। हाँ देख नहीं रहे हमारे डस्ट की हालत क्या हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों, हम खुद ही नहाने नहीं दे रहे हैं यार, ऐसे ना ठंड है। और ये देखें, ओए होए, पानी भी सारा इसने गंदा कर दिया दोस्तों। उमर का मुंह, अरम का मुंह भी भर दिया। और उमर ये देखो तो सारी पानी की ऐसी की तैसी फेर दी यार, आज ही भरा था। अब तो गंदा हो गया। अच्छा करेंगे, मैं खुद करूंगा। चलो क्रोकोडाइल भी निकाल लो, बस इतना ही होता है अब। ये देखें दोस्तों, दोस्तों हमारा क्रोकोडाइल है ना पानी में जाके बड़ा चलाक हो जाता है, कभी कभी तो मुझे डर लगता है इसको देख कर ही। चलो भी फ्रेश हो गया, फ्रेश हो गया, पानी शानी पी लिया इसने। चलो छोड़ दो इसको, अभी वापिस छोड़ दो, कुछ दिन की बात है। यार इसको तुम डाइट में क्या दे रहे हो, फिश या चिकन? चिकन की छोटी-छोटी बोटी करके दे रहा हूं। अच्छा आपने क्या शोर डाला हुआ है, क्या शोर डाला हुआ है आपने, हैं क्या मसला है, क्या शोर डाला हुआ है? हाँ सिट, ये जो है ना कि शोर शराबा नहीं करना, मिलजुल के रहना सबके साथ, आ रही है समझ? अच्छा बच्चा बन के रहना है। अच्छा, अरे इसको आप समझाते रहना कि किसी को तंग नहीं करना इसने। यार उमर वो देखो डक फिर अंदर घुस गई है यार। यार मैं क्या कर सकता हूँ यार। अच्छा बाकी तुमने सारी चीजें क्यों नहीं खोली अभी? यार सर्दी अभी बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा मुझे लग रहा है बर्दाश्त कर देंगे, उन्हें खोला। हाँ यार ये अच्छा फैसला तुम्हारा। आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल फहद के परिंदे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। Love is...